टैक्सेस सबको पे करने पड़ते हैं, बट एक टैक्स है जो सिर्फ फीमेल्स को पे करना पड़ता है, इट्स कॉल्ड द पिंक टैक्स, और ये सरकार के पास नहीं जाता है, इट्स द कॉस्ट ऑफ बीइंग अ फीमेल कंज्यूमर। बहुत सी ब्रांड्स ऐसी हैं जो जेंडर बेस्ड प्राइसिंग यूज करती हैं, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो जेंडर न्यूट्रल हो सकता था उसको मेल्स के लिए अलग से पैक किया और फीमेल्स के लिए पिंक या रेड कलर से पैकेज करके उसी चीज का ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। ये पेंसिल ब्लू कलर में 500 रुपए की, बट पिंक कलर में 650 रुपए की। शूज ब्लैक कलर में 4000, पिंक कलर में 4500। ईयरफोन्स ब्लैक कलर में 1300 रुपए, बट पिंक कलर में 1500 रुपए। इवन कैलकुलेटर, सॉक्स, टूथब्रश, एंकल सपोर्ट, बाइक हेलमेट जैसी चीजें फीमेल्स को महंगी पड़ती हैं। न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक स्टडी में कंक्लूड किया कि फीमेल्स को 7% ज्यादा खर्चा करना पड़ता है और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में 13% ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। एट द सेम टाइम फीमेल्स की इनकम मेल्स से 19% कम है। इट्स अनफॉर्चुनेट कि ब्रांड्स जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करती हैं और कलर्स यूज करके इस गैप को और वाइड करती हैं, बट आप अगर अवेयर हो तो अपनी सेविंग्स कर सकते हो बाय सिंपली ऑप्टिंग फॉर जेंडर न्यूट्रल प्रोडक्ट्स, और अगर ये पिंक कलर भी अवॉइड कर दिया तो बहुत सारा पैसा बच जाएगा।